हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, किछ दिन ला चैनल वीडियो आस पर नथिला कारण आमर रिलेटिव्स रे मैरिज थिला। तापर मु जो कोचिंग रे भी जाएंगे वीडियो करे सेठी जो सार कर कोचिंग सेटा थिला तो तांकर भी मैरिज थिला तो सेठी से कोचिंग टा ब्लॉक हे के रहउथला सेठी जिंस में सेथिला सेठी वीडियो करि होनथिला हला। तो एबे आमे रेगुलरली ट्राई करिवा क्लास करिया पई आमर जो केमिस्ट्री रेस्ट ऑफ चैप्टर रहिजे ताकु जल्दी रु जल्दी केमती आमे कवर करिया पई ट्राई करिवा। तो आज हम पढ़िबा स्टेट्स ऑफ मैटर आम जो पढ़ुले तो आज तार नेक्स्ट पार्ट पढ़िबा। मे बी तीन टा पार्ट बोध जाइथिला आज चार नंबर पार्ट रेटा पढ़ो। तो आपन जदि प्रीवियस पार्ट देखी ना ताले प्लेलिस्ट को जाएंगे सेटा देखी देबे। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आज क्लास रे आम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़िबा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जोटा से स्टार्ट करिबा। तो आप नोट करूँ वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। तो जदि आप चाहूबे जे आप आडभांस पढ़ापी जिनसा कवर करने क्लास तो कारण टिके टिके डिले हो लेट्रे आसे आपर पेड टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन हो पारे आप देखिपे स्क्रीन में। तो जो थी ऑलरेडी 350 प्लस मेंबर जॉइन हो गले तो सेमती जॉइन हे तार वीडियो भी ऑलरेडी मुझे कई स्क्रीन में आप देखिपे तो से वीडियो देखिक आप जापर से जॉइन हेले आप आडभांस नोट्स गुड़ा पाइपर जहाँफल आप आगुरा पढ़ीदे आो वीडियो पचर आसे भी आपटा न बुझीपारे से आउ थ आपंकर रिभाइज होगा। तो चलतु स्टार्ट करवा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप हेडिंग करूँ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन तले ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन आर लॉटा पढ़िया पूर्व फास्ट टाइम पढ़िबा जे डिफ्यूजन कौन आउ इफ्यूजन कौन से फास्ट जानिबा तापर आम यार लॉ पढ़िबा ला। तो आपन को फास्ट कही रखुची जदि मे भी टिके लाइट कम रहउतु तो जदि लाइट कम रहउतु आपन फोन को जो करदे 16:9 रेसीो करदे तो करदे आपड़ा क्लीयर आसगला रोटेट करदे स्क्रीन देन एटा आपको क्लीयर देखा। तो फास्ट आपण लिखु जे डिफ्यूजन कौन डिफ्यूजन क्या कहुए तले डिफ्यूजन कौन इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तले डिफ्यूजन कौन हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को जो गैसियस मॉलिक्यूल जो मूवमेंट हुए सेटा को आमर कौन कह जाए डिफ्यूजन कह जाए। आउ ये गोटे जिनस मन रखिए यही क्षेत्र में आमर प्रेशर कौन थाए कांस्टेंट होगी थाए प्रेशर कांस्टेंट होगी थाए हला। तो नेक्स्ट आम देखा कौन इफ्यूजन कौन इफ्यूजन हला सेम ये जहाँ रही सेम ताले द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम ए पिन होल फ्रॉम ए पिन होल बा थ्रू ए पिन होल कह पार पिन होल माने कौन देख मनकर तुम्हें जान जो टायर जो पंचर हुए टायर जो पंचर हुए छोट लिकटे हो तो बाटे दे कौन हुए तुम एयर बाहरी जाए पदक तो सहीटा को आम कौन कहवा सहीटा को आम इफ्यूजन कहवा सहीटा को आम इफ्यूजन कहवा सहीटा को भी डिफ्यूजन भी कहीहब कारण देख टायर चक्का भितर कौन थाए प्रेसर अधिक थाए चकार बाहर प्रेसर कम थाए से लिकटे हेले भितर बाहर को कौन हुए भितर बाहर को कौन हुए मैंने भितर तुम हायर कंसंट्रेशन अच्छी प्रेसर रो तो गैस गुड़ा से हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन मैंने बाहर को बाहरी आसा। तो आम कहीपर जो इफ्यूजन वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन किंतु डिफ्यू सब डिफ्यूजन इफ्यूजन हो पार नहीं किंतु जितेबाला डिफ्यूजनटा डिफ्यूजन प्रोसेसटा थ्रू ए डिफ्यूजन प्रोसेसटा थ्रू ए पिन होल मैंने गोटे छोट कणा दे डिफ्यूजन प्रोसेस हम से आम कौन कह इफ्यूजन कहला। तो आप इफ्यूजन एग्जांपल मन रखिपारे जो टायर जो पंचर होता आम इफ्यूजन प्रोसेस है। तो ये जिनसा डिफ्यूजन इफ्यूजन को जान लें बर्तमान आम देखा जे लॉ कौन कौन ग्राम्स लॉ ऑफ जो डिफ्यूजन रहा तो जो लॉ से कौन कौन तो नोट करेंगे
ताले लिखिए जे रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी और स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस तमाने रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस है तो यहाँ आम मैथमेटिकली कौन सा लिखा मुझे गोटे जिनस कहीदे इफ्यूजन आमर जो प्रेसरटा से कौन होता है वेरिएबल होता है प्रेसरटा कौन होता है वेरिएबल होता है केमी वेरिएबल होता है कारण देख मनेकर आप चकाटा लिक होगा लिक हो सब पंप सेट्रु बाहरी जाइए सब एयर बाहरी जाइए कौन हो आपड़ जो कौन होनेकर जो भाया प्रेसर में कौन होटी बाहर जो प्रेसर में मनकर तुम एयर बाहर मनकर जोपटे तुम पंप मारा जाए सेपटे जो कि आड़ पंप मरा होते निहाती भाव चका भितर कौन हम प्रेसर आहुरी जेनेट हम जेनेट हाँ फल से पिन होल गोटे कौन हम प्रेसर आहुरी अधिक हम या कि नहीं तो मैंने प्रेसर ये भारियेबुल केमी हो कारण पंप भितर गोटे एयर अच्छी तो सेठ कौन हो लिकेज द्वारा इफ्यूजन प्रोसेस बाहर को बाहर तो आम जो ऊपर कौन कर आहरी प्रेसर आप्लाय कर पंप साहब से कौन हम से प्रेसरटा बढ़ना ना चका भितर तो से कौन हो प्रेसर इनक्रीज है तो मैंने प्रेसर से भारियेबुल है आम चाहिए भी प्रेसर कम बेसी कई पार तो इफ्यूजन प्रोसेस प्रेसरटा भारियेबुल रु डिफ्यूजन में प्रेसर कनसटेंट रही तो वर्तमान ल को आस तो ये डेफिनेशन कौन जान लो वर्तमान से कौन कर मैथमेटिकाली लिखा जे यही उपरूम फास्ट लिभेई दूसरी ये आम कर लॉटा यहाँ तो आप ये फास्ट नोट कर दिखुं मुझे उपरटा लिभेक मैथमेटिकाली कौन ये आम डिराइव केमी करवा से लिखा तेल से नोट करदे एवं देखो जो डेफिनेसन आम कौन कहते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन रिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी तेल मैथमेटिकाली मुझे लिखिपारि रेट ऑफ डिफ्यूजन को मुझे आर लिखुँ सिंबोलिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या डेंसिटी डेनसीटर पुणी कौन देखिए स्क्वायर रूट तेल यहाँ आम लिखिपर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी और आउ कौन लिखिपर से रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट बुझे कि नहीं तेल एठू गोटे बर्तमान तुम गोटे नोट्र पॉइंट आसला एटी वर्तमान गोटे तुम नोट्र पॉइंट आसला जे कौन होेतु तुम रेट ऑफ डिफ्यूजन सह मॉलिक्यूलर वेट कौन अच्छी इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी अच्छी जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी अच्छी तेल मुझे गोटे जिनस लिखिपरि जे जदि मॉलिक्यूलर वेट तुम इनक्रीज हम तेल रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन हम डिक्रीज हम हेला मुझे सर्ट्रे लिखिदे तुम्हें यहाँ को लिख खोलिकी लिख ना पचर का जापर नहीं जेहेतु ये परस्पर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ताल एथर आम कहीपर जो मॉलिक्यूलर वेट जदि बढ़े रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन हम कम रेट ऑफ डिफ्यूजन कम ये पॉइंटा मन रखिए तेल बर्तमान ये गोटे क्वेश्चन आसला जो गोटे क्वेश्चन देखिए कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन मत तले किटा मॉलिक्यूल देजी कौन कौन H2O2CO2SO2 है सरी SO4 सल्फेट नहीं जीवा SO4 है तो मत रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको मध्य कंपेयर करने को कही गोटे जिनस देख मुझे जानी मॉलिक्यूलर वेट जदि बढ़े रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन हम कम या नहीं तेल ए समस्त आगे मॉलिक्यूलर वेट बाहरी करदे
ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଟୁର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଜାଣିଛ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଜାଣିଛ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ କେତେ, ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ହେଲା ଏକ, ଏକ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଜିରୋ, ଏକ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏଚ୍ ଟୁ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ହେଇଗଲା ଟୁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଜାଣିଛ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ କେତେ, ଷୋହଳ, ଯେହେତୁ ଓ ଟୁ ଦେଇଛି ସୋଲଦୁଲେ ବତିଶ। ସିଓ ଟୁର କେତେ ହବ, କାର୍ବନ ଜାଣିଛ ବାର, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଷୋହଳ। ସିଓ ଟୁର କାର୍ବନ ହେଲା କେତେ ବାର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଷୋହଳ, ଯେହେତୁ ତଳେ ଟୁ ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ହବ, ବାର ପ୍ଲସ୍ ବତିଶ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ତିନି ଏକ ଚାରି, କେତେ ଫର୍ଟି ଫୋର। ତାପରେ ଏସଓ ଫୋର, ଏସଓ ଫୋର ସଲଫର ତୁମେ ଜାଣିଛ ବତିଶ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଷୋହଳ, ଫୋର୍ ଅଛି ହେଲା ଥାର୍ଟି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଷୋହଳ ଚଉ ଚଉଷଠି, ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ, ଛଅ ତିନି ନଅ, କେତେ ହେଲା ନାଇଣ୍ଟି ସିକ୍ସ, ଏହା ନାହିଁ ନାଇଣ୍ଟି ସିକ୍ସ। ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ କହିଛି କ'ଣ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତାହେଲେ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍, ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ସବୁଠୁ କମ୍ କାହାର, ଏଚ୍ ଟୁର, ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଲା ଏଚ୍ ଟୁର। ଯେହେତୁ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଆମର ବଢ଼ିଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କମିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଯାହାର କମ୍, ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଯାହାର କମ୍, ତାହେଲେ ତା'ର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଧିକ ଥିବ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଧିକ ଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଏଚ୍ ଟୁ, ଏଚ୍ ଟୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ହେଲା ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍। ତାପରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଓ ଟୁ ଆସିବ, ତାପରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ସିଓ ଟୁ ଆସିବ, ତାପରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଓ ଫୋର୍ ଆସିବ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଏଚ୍ ଟୁର ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ କମ୍, ତାହେଲେ ତା'ର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖୁନା, ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କମୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ କମିବ ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ବଢ଼ିବ, ଏହା ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇଟା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କମ୍ପେୟାରଟା ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏତିକି ହେଲା, ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲ, ଭଲ ସେତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ସେତିକି ନୋଟ୍ କରିଦେଲ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲି କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମେନ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇପାରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଦେଖ, ସପୋଜ୍ ଆମର ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ୱାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଟୁ ହେଲା। ଲାଇଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ଉଠେଇ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ, ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ହେଲା। ତ ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଲା, ସପୋଜ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ୱାନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଟୁ। ତ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୁଁ ନେଇଗଲି ସପୋଜ୍ ଆର୍ ୱାନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ନେଇଗଲି ଆର୍ ଟୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ରହିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଏମ୍ ୱାନ୍, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ନେଇଗଲି ଏମ୍ ଟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଯେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍, ଏଇଟା ପଢ଼େଇଲି ଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ପଢ଼େଇଲି। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଯେ ଆର୍ ୱାନ୍ କେତେ ହେବ, ଆର୍ ୱାନ୍ କେତେ ହେବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଏମ୍ ୱାନ୍ ହେବ, ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇଛି, ଏମ୍ ୱାନ୍ ନେଇଛି, ୟାର କ'ଣ ହେବ ରୁଟ୍ ଓଭର୍। ସିମିଲାର୍ଲି ଆର୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ୱାନ୍ ବାଇ ଏମ୍ ଟୁର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେବ, ଏହା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଯେ ଆର୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ, ଆର୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ବଦଳେ ବସେଇବି ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଏମ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ବଦଳେ ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଏମ୍ ଟୁ। ତାହେଲେ ଏ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଉପରକୁ ଓଲ୍ଟିଯିବ, ଓଲ୍ଟିଗଲେ ହେଇଗଲା ଏମ୍ ଟୁର ରୁଟ୍ ବାଇ ଏମ୍ ୱାନ୍ ର ରୁଟ୍। ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଟୁ ବାଇ ଏମ୍ ୱାନ୍ ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍, ଏମ୍ ଟୁ ବାଇ ଏମ୍ ୱାନ୍ ର କ'ଣ ହେବ ହୋଲ୍ ରୁଟ୍, ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି କି ନାହିଁ ହେଲା। ଆର୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଟୁ ବାଇ ଏମ୍ ୱାନ୍ ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ବନିବ, କେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଆର୍ କ'ଣ ଏଥିରେ, ଆର୍ ୱାନ୍ ହେଲା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ୱାନ୍, ଆର୍ ଟୁ ହେଲା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟୁ, ଏମ୍ ଟୁ ହେଲା କ'ଣ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍, ଏମ୍ ଡବ୍ଲୁ ବି ଆମେ ଲେଖନ୍ତି, ଏମ୍ ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟୁ, ଏମ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ୱାନ୍। ଏତିକି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ କରିକି ଦେଖିବା।
तो आप देखिपे देखो तो स्क्रीन में गोटे क्वेश्चन देखिपे से कहे कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 विथ रेस्पेक्ट टू SO2 आट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है कौन कही रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करवा यार आंसर मुझे करुच्ची कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 सहित कंपेयर करवा क्या विथ रेस्पेक्ट टू SO2 रेट ऑफ डिफ्यूजन कह रहा SO2 है तो यहाँ कंपेयर करने ताले आम एवं टी पूर्व जानले जेटि कौन हो R1/R2 इक्वल टू M2/M1 यह हूँ कि नहीं सेमती ये R1 जगार अच्छे CH4 2 जगार अच्छी SO2 ताले एठी मु एम जगार एठी कौन लिखिदेवी एम जगार कौन लिखी M2 जगह R2 जोटा अच्छे से M2 को ताले SO2 अच्छी एटिक कौन SO2 बाई एटी तले आसो कौन मॉलिक्युलर वेट ऑफ CH4 यार कौन हम रूट ओवर हो फॉर्मूला अनुजाई है कि नहीं ताले वर्तमान देख मॉलिक्युलर वेट ऑफ SO2 मॉलिक्युलर वेट ऑफ SO2 बाहर करद सल्फर तुम्हें जान 16 नंबर अच्छे 16 32 ऑक्सीजन के 16 × 2 ये गला 32 प्लस 16 दूले 32 के 64 बाय CH4 मिथेन कार्बन जान 12 हाइड्रोजन 1 × 4 अच्छी इंटु 4 तेल के 12 + 4 ये गला के 16 × 16 यार रूट ओवर काटिदे के 4 रूट ओवर के 2 दैट इम्प्लाइज CH4 बाय SO2 इक्वल टू 2 यहाँ मुझे भी लिख पारि आर CH4 इक्वल टू 2 × RSO2 है कि नहीं तो पढ़व कमी तो पढ़व रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिथेन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिथेन इज 2 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं बुझिपाल ना है तो ये टाइप क्वेश्चन आसपा यहाँ आप जापारे कमी है तो ये फर्मूला को नोट करेंगे तो अनुजाई यहाँ आप जापर आपण को फास्ट यही जिनसा जानवाक पड़ो जो मुझे बाहरी करुच्चर मॉलिक्युलर वेट ये जिनसा मुझे आरंभ अलरेडी कहीदी है कमी बाहरी कर जदि से जानना जाकि फास्ट से भिडियो गुड़ा भलसे देखूँ कमी मॉलिक्युलर वेट बाहर ना आपड़ा करें है बेसिक कनसेप्ट पढ़ाला आपको कही मॉलिक्युलर वेट आटोमिक वेट केमी बाहर से नजाने आपड़ा तो नजाने किसी क्वेश्चन केमिस्ट्रो करें कहे चले तो फास्ट जब जो मैंने नुआ आसा जानना से देखिए यहाँ आप इजिली करेंगे तो ये टाइप न्यूमेरिकल आसे आउ गोटे न्यूमेरिकल अच्छे टी आठ हार्ड जाए करदे आठ टे कष्ट कौड़ा न्यूमेरिकल आसपा से फास्ट नोट कर दिवे आम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा तो आप स्क्रीन में देखिपे से कौच द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 एट गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स फाइंड मॉलिक्युलर वेट ऑफ एक्स तो मैंने देख सी आम कौन कौच जे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिथेन तो मैंने जोटा को लिखिपर RCH4 इज ट्वाइस माने दुई गुणा हम कहार दैट ऑफ एक्स मीन्स कौन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स तम से कहे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिथेन इज ट्वाइस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स यहाँ क्वेश्चन में मत गिवन अच्छे एक नहीं तो तापर हम बाहरी करियो कौन कहे फाइंड मॉलिक्युलर वेट ऑफ एक्स ए एक्स रो मॉलिक्युलर वेट के हम से बाहर करियो कहे देख आम जानते रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्युलर वेट तो ये फॉर्मूला से देखिले जे R1/R2 इक्वल टू कौन हम M2/M1 रूट हम MW लिखे कि एम लिखे जहाँ भी मॉलिक्युलर वेट से बुझे तो ये जो 1-2 रोचे ये 2-1 रोचे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो 1-2 रोचे रेसीओ रे मॉलिक्युलर वेट रेसीओ 2-1 रोचे बास से ही जानवा दरकार यहाँ मुझे लिख पारि कि ना RCH4/RX=2 तले जोटा मुझे एमती लिखिपर कि ना RCH4/RX अच्छी यहाँ को मुल्टे एमती लिखिपरि मॉलिक्युलर वेट ऑफ एक्स बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ CH4 यार अंडर रूट लिखिपरि एक्सटा एटी गला CH4 एटी गला जमी होता 1 एटी आसाला 2 एटी जा फर्मूला तो तापर देख या भूली जाओ बर्तमान या लक्ष्य कर रूट ओवर टाइप आसे कौन हो स्क्वायर हो 2 स्क्वायर इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट ऑफ एक्स मॉलिक्युलर वेट ऑफ CH4 दैट इम्प्लाइज 2 स्क्वायर के 4 है कि नहीं 4 इंटू मॉलिक्युलर वेट ऑफ CH4 गुणी मॉलिक्युलर वेट ऑफ CH4 इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट ऑफ एक्स
ताले एटी फोर इंटू मॉलिक्युलर वेट ऑफ सी एच फोर केते सी एच फोर मॉलिक्युलर वेट कार्बन नो बार हाइड्रोजन एक फोर दे इंटू फोर बार प्लस फोर के षोल इक्वाल टू मॉलिक्युलर वेट ऑफ एक्स ताले षोल चु के सिक्सटी फोर ग्राम मॉलिक्युलर वेट ऑफ एक्स एति आंसर हो गला एटा पचार थिले कि नहीं क्वेश्चन ने फाइंड मॉलिक्युलर वेट ऑफ एक्स के सिक्सटी फोर बुझिपाला ना सिक्सटी फोर ए नोट कर दियो आ गोटे क्वेश्चन करदे तेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टा बुझे चेस्टा करो क्वेश्चन आप देखिपे स्क्रीन में से कहे बोटल ऑफ ड्राई एनएस थ्री एंड बोटल ऑफ ड्राई एचसीएल कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब आर ओपन साइमल्टेनियसली एट बोथ एंड्स द व्हाइट फ्यूम्स ऑफ एनएच फोर सीएल फास्ट फॉर्म्ड विल बी ऑप्शन चार्ट देखा देख फास्ट आपको कौच गोटे गोटे बोटल ए बोटल ऑफ ड्राई एनएस थ्री एंड बोटल ऑफ ड्राई एचसीएल कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब ताले ये गोटे मनकर गोटे ट्यूब अच्छी ए ट्यूब्र ये गोटे एंड अच्छी एपटे गोटे एंड अच्छी है दीटा मनकर ये कनेक्ट हो तो गोटे पटे सैड्रे आम अच्छी किए एन एच थ्री अच्छी आउ गोटे पट सैड्रे आम अच्छी एच सी एल अच्छी है सी कौच ये कौन अच्छी मनकर यहाँ कौन अच्छी बंद अच्छे यहाँ बंद अच्छे बुझे यहाँ बंद अच्छे तो सी कौच ये साममलटेनियसली ओपन कर यटा को जिते बड़े ओपन कर तुम्हें यटा को भी ठीक से समय कौन कर ओपन कर ओपन कले भितर कौन अच्छी तुम एन एच थ्री अच्छी या भितर कौन अच्छी एच सी एल अच्छी तेल सी कौच आम जानी जे एन एच थ्री एच सी एल मिसले कौन हम एन एच फोर सी एलटा फर्मेसन हम सी अप्सन जो चार्टा अप्सन देखिए एन एच फोर सी एलटा एक्चुअली फर्म हम कौटी ताले बोटल टाक जो आम साममलटेनियसली ओपन कले तुम्हें गोटे जिस देख एन एच थ्री रि मॉलिक्युलर वेट बाहरी करी तेल के देखीद नाइट्रोजन सात नंबर सात सात चौदह हाइड्रोजन वन इंटू थ्री सतर यार मॉलिक्युलर वेट सतर जदि एच सी एल मॉलिक्युलर वेट बाहरी करी हाइड्रोजन वन प्लस क्लोरीन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ये के थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ताल तुम्हें देखुच मॉलिक्युलर वेट जो मॉलिक्युलर वेट एन एच थ्री कम अच्छी क्या मॉलिक्युलर वेट एच सी एल टू आम जानी जे रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन मॉलिक्युलर वेट मुझे पढ़े थी तेल जदि मॉलिक्युलर वेट यार अधिक अच्छी मॉलिक्युलर वेट यार अधिक अच्छी तेल जो रेट ऑफ डिफ्यूजन टा रेट ऑफ डिफ्यूजन टा यार कौन थी कम थी आउ रेट ऑफ डिफ्यूजन टा अधिक कहार थी एन एच थ्री थी तो जेहेतु रेट ऑफ डिफ्यूजन टा अधिक थी एन एच थ्री रेल एटी जो एन एच थ्री अच्छी जिते साममलटेनियस दुटा को ओपन करवा तेल एन एच थ्री टा जल्दी जल्दी इे पाइप इड़ू काड़ू माड़ जल्दी जल्दी माड़ है कि ना एन एच थ्री कौन हम पाइप जल्दी जल्दी से आड़ को माड़ आसव तो ये एच सी एल रेट ऑफ डिफ्यूजन टा कौन हम टे कम मात्रा हम कम मात्रा हम बुझी कि नहीं ताहले जहाँ फल आसिक से कौन है जो गोटे पॉइंट रे परस्पर सह मीट करेंगे से ही पॉइंट ही कौन हम तुम एन एच फोर सी एल फॉर्मेशन हम एन एच फोर सी एल फॉर्मेशन हम ताहले एठी आपन को राइट आंसर कोटा है जो राइट आंसर ऑप्शन बी है जो नियर ऑप्शन बी है जो नियर एच सी एल तुम देखुन एपटु रेट ऑफ डिफ्यूजन जदि स्पीड हम रेट ऑफ डिफ्यूजन स्पीड हम ताले आमर को पटे याड़ू याड़ू आसो याड़ू याड़ू आसिले तो एठू तो स्लो हो आसना तो ये जो मीट करेंगे परस्पर सह कौपटे मीट करेंगे एच सी एल जो साइड से ही सैड कारण मीड पॉइंट तो कदापि मीट करेंगे ना कारण ये स्पीड रहा जेहतु डिफ्यूजन रेट स्पीड अच्छे स्पीड रे गति कर तो ये स्लो रे गति कर तो निहाती भावे आंक भितर जो येटा जो परस्पर सहित से कंबाइन एन एच फोर सी एल फ्यूम फर्म करेंगे तो सैटा कौ सैड्रे होता नियर एच सी एल सैड्रे थे ऑप्शन बी है राइट आंसर जोटा के नियर एच सी एल नियर एच सी एल एंड होगा राइट आंसर बुझिपाल नहीं या सहित आम ग्राम स्लो ऑफ डिफ्यूजन सरीगला मझे गोटे टाइम रे लाइट पूरा कम थिला तो आपड़ से आडजस्ट करदेवे टिके हला तो ये आम नेक्स्ट देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड जो थे आम फास्ट आरंभ करवा कौन सरफेस टेंशन रु आरंभ करवा आप फास्ट नोट कर दिंतु तेल सरफेस टेंशन पड़ा है हेडिंग कर दिखाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टिक्स ऑफ लिक्विड फास्ट आसला
सरफेस टेंशन। फास्ट देखिवा सरफेस टेंशन, तले सरफेस टेंशन कौन? फर्स्ट लिखी दियो डेफिनेशन। सरफेस टेंशन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्चू ऑफ व्हिच, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्चू ऑफ व्हिच इट ट्राइज टू मिनिमाइज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया हला। तले एटा लिक्विड रो गोटे प्रॉपर्टी जोटा कि कौन करे सबले से तो सरफेस एरिया को कम करने को चाहे, सरफेस एरिया को जिते रु कम रु कम हो पार मिनिमाइज करने चाहे से ही प्रॉपर्टी। लिक्विड कौन करे तार सरफेस एरिया को जिते मिनिमाइज हो पार मिनिमाइज करने चाहे से ही प्रॉपर्टी को कौन कह जाए सरफेस टेंशन बोली कह जाए। कौन कह जाए सरफेस टेंशन बोली कह जाए। तो आपणकर जो लिक्विड रो माने वाटर ड्रॉप रो जो शेप थाए से साधारणतः आम कहते स्पेरिकल शेप थाए, तो से ही शेपटा कौन पाई थाए ड्यू टू सरफेस टेंशन। बुझे कि नहीं तो ये लिखिपरिया जे ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्पेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन ड्यू टू सरफेस टेंशन है ला। तले लिक्विड रो जो स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड रो जो शेपटा स्पेरिकल देखा जाए से कौन पर होता है ये सरफेस टेंशन कारण होता है। तो आप गोटे जिन मन रखुद आप भावे जो लिक्विड ड्रॉप मन कर आपड़ गोटे ड्रॉप लिक्विड पकईदे कौन आप किसी गोटे पट्रे कि गोटे पत्र कि सारू पत्र देखिथे ड्रॉप ड्रॉप हो पड़ता है तो देखिए टे चेप्टा हो तो सेमती चेप्टा कहीं कारण तापर ग्राविटी भी फोर्स पड़ू ना हेला किंतु ताको हमें कंसीडर करती सेपटा को भाया स्पेरिकल सेप बोली कंसीडर करती से कहीं सरफेस टेंशन बहुत टाइप सर्ट क्वेश्चन भी पचार दिए जे जो वाटर ड्रॉपलेट रो जो साइज माने तार जो सेपटा स्पेरिकल होता है कहीं तो सीटा सरफेस टेंशन जो वाटर मलिकुला सब बेले साइज को मिनिमाइज करने चाहती कहीं सरी से प्रॉपर्टी कौन कह जाए सीटा को सरफेस टेंशन कह जाए। तो ये जिनसा आप ध्यान देवे है तो आउ गोटे जिन मन रखिए सरफेस टेंशन इज ए स्कालार क्वांटिटी। यहाँ गोटे कौन है स्कालार क्वांटिटी। स्कालार क्वांटिटी कौन वेक्टर क्वांटिटी कौन जानते कि नहीं स्कालार क्वांटिटी मीन्स जहाँ डायरेक्शन न था केवल मैग्नीट्यूड था वेक्टर क्वांटिटी जहाँ बहुत मैग्नीट्यूड डायरेक्शन था सेला वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ को नोट करेंगे तापर ये गोटे जिन देखो यहाँ मुझे पात्र नेली जो थी आम कौन अच्छी वाटर अच्छी जो थे आम वाटर अच्छी तो मुझे कल ए गोटे ये गोटे गोटे वाटर ड्रॉपलेट नेली या उपर गोटे वाटर ड्रॉपलेट नेली माने वाटर सरफेस रो सभा उपर जो ड्रॉपलेट अच्छे वाटर ड्रॉप अच्छे से गोटे वाटर ड्रॉपलेट नेली जोटा को आम यू आम कौन कह जाए यू आम सरफेस मॉलिक्यूल बोली कह जाए सरफेस उपर अच्छे कि नहीं वाटर सरफेस उपर तले एठी कौन हो देखो या उपर जो फोर्स लागू थोबो केमती ए साइड लागू थोबो ए साइड लागू थोबो तलू भी लगुव एड लगुव एड लगु तो एमती लगू थे फोर्स माने भितर भितर टाणी होगा जो फोर्स एमती लगू थे एटी सीधा सीधा मुझेपरि जे ए केस्रे आम जो नेट फोर्सटा से कौन हम केवल जीरो हेनी कारण यूर कि फोर्स लगुनि भितर भितर हिं फोर्स लगुच भितर भितर हिं फोर्स लगुच किसी फोर्स लगुनि किंतु सीट जदि मु कहबी जे भितर गोटे मन कर गोटे ड्रॉपलेट मुझे लिक्विड गोटे ड्रॉपलेट मुझे तले या उपरे कौन हो फोर्सटा एपट भी लगुव ऊपर भी लगुव एपट साइड लगुव एपट साइड लगुव चारिपटू फोर्स लगुव सामान परिमाण में तेल मुझे कहपरि जे यापाई आम जो नेट फोर्सटा कौन हम जीरो हम यापाई आम जो नेट फोर्सटा कौन हम जीरो हम तेल यहाँ आम नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ कापाई फॉर सरफेस मॉलिक्यूल यार नेट फोर्स जीरो है
का भाई फॉर बल्क मॉलिक्यूल हैला पानी भितर जोड़ा आम जो वाटर ड्रॉप को कंसीडर करती बल्क मॉलिक्यूल बोली कहा जाए ताले इतनी जान लो एठू गोटे जिनस कौन कनक्लूजन में पहुँचले एठी गोटे जिनस कनक्लूजन में कौन पहुँचले जे सरफेस मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर एनर्जी देन बल्क मॉलिक्यूल कहीं एमला कारण या और तो नेट फोर्स जीरो किंतु आर नेट फोर्स जीरो नो जीरो नहीं माने आपको एपर्यंत भी कौन हो टाणी भितर जो मॉलिक्यूल से कौन कर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा को टाणी को चाहूबे किंतु या तो टाणी को चाहिए ना कारण ऑलरेडी आपर आ सहित चारिपटर कौन पड़ू चारिपटर आपर ऑलरेडी फोर्स पड़ू ताले या ये जेहेतु सरफेस ऊपर अच्छी सरफेस मॉलिक्यूलटा को बेसी एनर्जी लगुव कौन करने तार साइज को मिनिमाइज करने भितर भितर को टाणी है तले एटी जो एनर्जीटा लगुच ये जो आम पढ़ले सरफेस मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर एनर्जी दैन बल्क मॉलिक्यूल तो ये जो एनर्जीटा जो लगुच एनर्जीटा को ही आम कौन कहुए सरफेस एनर्जी बोली कहुए कि एनर्जी कहुए सरफेस एनर्जी बोली कहुए देख मु बहुत भितर को नहीं जाऊँगी मत लगुनि एत इम्पोर्टेंट बोली यहाँ आपड़ केवल ये खाली मन रखिए सरफेस टेनसन कौन सरफेस टेनसन ये व्टर गोटे टेंडेन्सी जो थे कि कौन करे वाटर सब वाटर ड्रपलेट गुटा सब चाहती साइज को मिनिमाइज करने साइज को मिनिमाइज करने जहाँफल आम वाटर ड्रपलेट रो सजा सेमती स्पेरिकल सेप होता है सेटा कहाँ ये सरफेस टेंशन पर आईटा गोटे स्कालार क्वांटिटी आउ तर यूनिट भी मुझे लिखेबी तो सेटा भी मन रखिए किंतु एसब जिनसा मतलब लगुनि ये इंपोर्टेंट बोली है यहाँ अति भितर को हो जाए फिर भी लिखिदेवे नोट करदे तो ये जिनसा जी जान लें तो तार यूनिट को जी एसआई यूनिट कहार सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन एसआई यूनिट कौन न्यूटन पर मीटर किंबा किंबा आउ कौन हो पार आम ये गोटे जिनस जानी आम गोटे जिनस जानी कौन आम जो के जी इंटु मीटर इंटु सेकेंड माइनस टू या न्यूटन बोली कहते या गोटे न्यूटन बोली कहते कि नाई बाई एटी मोर कौन अच्छी मीटर अच्छे तले ताले देख एटी मीटर को मीटर कटिगले ताले आमर कौन हो गला के जी इंटु सेकेंड माइनस टू रही कि नहीं के जी इंटु सेकेंड माइनस टू रही कि नहीं ताले जोटा को लिखिपरि के जी बाई सेकेंड रो पावर टू यही पार नहीं एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर भी हो पार के जी बाई सेकेंड रो पावर टू भी हो पार तापर भी आम नेक्स्ट मन रखा जे फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन तले फास्ट फैक्टर ये कौन आसीबो फास्ट फैक्टर ये आसीबो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स तले ये केमती अफेक्ट करे तले ये मन रखिए जे आपण करो इंटरमोलिकुलर फोर्स शॉर्ट रे मु लिख दो जे आईएमएफ ये जदि बढ़िबो ये जदि बढ़िबो तले एठी हमरो सरफेस टेंशन कौन हम कमिबो सरफेस टेंशन कौन हम कमिबो हैला तापर नेक्स्ट देखिबा सेकेंड आउ की अफेक्ट करे टेम्परेचर नेक्स्ट हैला टेम्परेचर हैला तले एठी कौन हम टेम्परेचर कौन हम देख जदि तुमरो टेम्परेचर बढ़िबो जदि तुमरो टेम्परेचर बढ़िबो ताले एठी तुमरो कौन हम जो आवरेज काइनेटिक एनर्जी रहला आवरेज काइनेटिक एनर्जी रहला सी तुमरो कमिबो आवरेज काइनेटिक एनर्जी कमिबो आउ आवरेज काइनेटिक एनर्जी कमिले आवरेज काइनेटिक एनर्जी कमिले तुमरो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही सी तुमरो कौन बढ़िबो सेटा बढ़ला माने तुमर कौन हम सरफेस टेंशन कमी ताले इनडायरेक्टली आम कहीपर जब टेम्परेचर बढ़े ताले सरफेस टेंशन कौन हो कम चला ये मन रखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़िले सरफेस टेंशन कमी टेम्परेचर बढ़िले सरफेस टेंशन कमी
यहाँ किसी बेसिक बेसिक जिनस सरफेस टेंशन मत लगुनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिक्विड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु इंपोर्टेंट थी या अंडर जोड़ा आज सरफेस टेंशन विस्कोसिटी मत लगुनि से इंपोर्टेंट थी आपड़ नोट करके थे आपको रीड मारदे है फास्ट नोट कर दि बर्तमान अभी नेक्स्ट जी विस्कोसिटी विषय पढ़ा आशा करूँ भल से आज जापारे सरफेस टेंशन यहाँ मन रखिए नेक्स्ट देखा विस्कोसिटी तेल आम जो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिक्विड पढ़ुं तार नेक्स्ट पढ़ा कौटा विस्कोसिटी रीडिंग कर दिं सेकेंड रे विस्कोसिटी हेलो इटा सी नो एस विस्कोसिटी तले आगे डेफिनेशन लिखि दिंतु इट इज द मेजर टू फ्लो इट इज द मेजर टू फ्लो it is the measure of resistance to flow due to internal friction between layers हैला तले आमे सिंपली कही परिवा जे विस्कोसिटी कौन आमर जो वाटर भितर जो सब वाटर जो अच्छी पानीटा तो कौन से सब लेयर लेयर ही अच्छी ने से वाटर लेयर परस्पर मध्य जो फ्रिक्शनटा होची जहाँ फल जो वाटर फ्लोटा रेजिस्ट होची सेटा को ही आमर कौन कहा जाए विस्कोसिटी बोली कहा जाए कौन कहा जाए विस्कोसिटी बोली कहा जाए तो ये गोटे जिनस देख ये मन कर आम ड्र करवा ये सपोज आप मानिक चलतु ये है गोटे रिभर है रिभर मानिक चलतु तेल ये है रिभर ये है तुम बटम आउ ये है तुम टॉप लेयर बटम लेयर ये है टॉप लेयर है तो या भितर आम लेयर कंसीडर करवा तो ये सपोज आमर तीन टा लेयर है ये सपोज आमर कौन है तीन टा लेयर तीन टा लेयर को आम कनसीडर करी करवा है तो देख यहाँ है बटम यहाँ है टॉप तो यहाँ मन कर गोटे रिभर मान को इमाजिन कर तो तुम्हें गोटे जिनस जान थो जी जो बटम लेयर थाए पानी सब तल स्तरटा से पानी सब जो तल स्तरटा थाए सी आम साधारण तुम जान कौन थाए स्टेशनरी थी ना स्टेशनरी मीनस कौन तार फ्लोटा को एत जोर हो कि तार वेलोसिटी कौन एत हाई थी कि ना पानी तल लेयरटा सब पानी ऊपर लेयरटा ही आप देखिए जोर फ्लो करुच्ची बहुत स्पीड में जाऊँगी कौन होगा कितु पानी सब जो तल लेयरटा से कौन हम से फ्लोटा एत स्पीड हुए एत स्पीड हुए है बुझीपार कारण से तलू तलू आस लेयर लेयर मध्य फ्रिक्शन से अधिक अधिक होते ऊपर ऊपर जा फ्रिक्शन टे कमी कमी जाए मुझे गोटे जिनस कहीपरि जोबले बॉटम रु टॉप आड़ को जीवा तले सेटी वेलोसिटी कौन हम इनक्रीज होगी जीव केमिस्ट्री आम वेलोसिटी यू रे मैंने डिनोट करके देखा तले जिते तलू ऊपर को जीवा तले से तले कौन हम तुम वेलोसिटी बढ़ी 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 जीव हैला तो ये जो तुम लेयर हुए तो ये आमर कौन है ये मनकर यहाँ आम नहींगला नहीं जाए मनकर लेयर एरियाटा एरिया को मनकर आम नहींगले ए है लेयर एरिया को मनकर नहींगले आम ए आउ ये जो मझी लेयरटा मनकर आमर यू वेलोसिटी रे बहुत यू वेलोसिटी आमर कौन हो सी आगु आगु फ्लो करुच्चे तले यही ऊपर लेयरटा कौन हम यू डी यू आउ ये तल लेयरटा यू माइनस डी यू तमें मो कह मतलब जदि तीन टा लेयर अच्छी मझीर मझी लेयर वेलोसिटी जदि दस थी जदि 10 मीटर पर सेकेंड थी तेल ताऊपरटा जदि मनकर टू टू डिफरेन्स फ्लो होपरटा निहाती से 12 मीटर पर सेकेंड फ्लो हो तार तलटा निहाती 8 मीटर पर सेकेंड फ्लो हो बुझिपाल कि नहीं जो तीन टा लेयर थी मझीटा जदि 10 मीटर पर सेकेंड फ्लो होपरटा 12 मीटर पर सेकेंड फ्लो हो तलटा सेम टू डिफरेन्स मैंने 8 मीटर पर सेकेंड में फ्लो हो मैंने एमती मानने टू टू हम जदि मझीटा 10 रोज ऊपरटा मनकर 15 हो तले 5 बढ़ी जब जाऊँगी तले तलटा तल लेयरटा 5 कमु थो मैंने 5 मीटर पर सेकेंड में
फ्लो करथो बुझी होजी कि नाही हला मझीटा सीट में जदी यू हुए ऊपरटा यू प्लस डी यू हेले तळटा यू माइनस डी यू हबो हला बुझी पारछन कि नाही एटा तीनटा लेयर रे कंपैरिजन करकी मु आपनकु देखेली आशा करू जेटा जानि पारथिबे त एठी ए जो लेयर लेयर मध्यरे डिस्टेंस टा मन करू आमे ए जो लेयर लेयर मध्यरे डिस्टेंस रे मन करू आमे नै गेले केते डी जेड केते नै गेले डी जेड ताले वर्तमान एठी मु लेखि परिमे जे कौन आमर जो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहा सहित एरिया सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डी जेड ताले एटा को जदी मु दीटा को कंबाइन करबी ताले विस्कस फोर्स को सिंबॉलिकली एफ द्वारा डिनोट करा जाए एफ प्रोपोर्शनल टू ए इनटू डी यू बाय dz ताले दैट इंप्लाइज एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटेबी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटेले मोर कोन गोटे कांस्टेंट बसिबो एटा इनटू ए डी यू बाय डी जेड बुझि पालो कि नै विस्कस फोर्स बा एफ इक्वल टू इटा ए सिंबल को कोन पढा जाय इटा पढा जाय ताले इट मु लेखि दउ छी आ भीतर कोटा कोन वेयर ये इटा हला तुम कौन ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जोटा को आम कौन कहते कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा तो तुम्हें जानिचो एरिया कहार लेयर आउ डी यू बाय डी जेड कौन ये तुम वेलोसिटी ग्रेडिएंट आपको कौन कहुए वेलोसिटी ग्रेडिएंट फॉर्मूला कौन वेलोसिटी ग्रेडिएंट रो डी यू बाय डी जेड डी यू हैला तुम्हारे ठी एट लिख दूजी जे डी यू हैला चेंज इन वेलोसिटी यू को मु वेलोसिटी मानि छी कि नहीं यू जेतु वेलोसिटी ताल डी यू हैला चेंज इन वेलोसिटी आउ डी जेड हैला डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स एक नहीं डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स ताले डी यू बाय डी जेड आम कौन हम से वेलोसिटी ग्रेडिएंट हम बुझे कि नहीं जापरल तापर जदि यार मुझे एसआई यूनिट कथा कह सैड लिख दूची ताले यार जदि आम एसआई यूनिट कथा कह रहा एसआई यूनिट अफ कह रहा कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी लिख दूँ इटार एसआई यूनिट कथा यदि कह तर एसआई यूनिट कौन हम न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हेलो तापर जदि मु तार कहबी सीजीएस यूनिट कौन हम ताल तुम्हें जानिचो न्यूटन रो सीजीएसटा कौन हुए डाइन इंटू सेकेंड बाय ये मीटर स्क्वायर थी ये कौन हो सेंटीमीटर स्क्वायर बुझिपारे कि नहीं सीजीएस यूनिट आउ जो डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को एटा को आम कौन कहते पॉइज बोली कहते कौन कहुए वन पॉइज बोली कह जाए हला बोधे देखा टिके ऊपर लिखि दूँ एटा को आम कौन कह लिखुनि खाली लिखिद पॉइज या आम कौन कह पॉइज बोली कह कौटा को डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉइज बोली कह आंकु आंकु मध्य गोटे रिलेसन अच्छी ताले न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइज रो बराबर डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को गोटे पॉइज बोली कह किंतु न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कहार बराबर 10 पॉइज रो बराबर ये जिनसटा आपण मन रखिए तो एतिकी नोट कर दियंतु हाँ आउ गोटे जिनस अच्छे यार फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये लिखिदे पुणी लिभे कहीं खाली से टिके आउ गोटे पेज करवा है तो ये लिखिदे आप नोट कले लिखु जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कौ फैक्टर अफेक्ट करुच्चे ये फास्ट आसमर इंटरमोलिकुलर फोर्स फास्ट कौन आसो सेम ये लिखिदे इंटरमोलिकुलर फोर्स ये फास्ट सेकेंड रे किए सेकेंड रे आमर आसो टेम्परेचर ये दुटा फैक्टर मेनली अफेक्ट करती क्या विस्कोसिटी को है विस्कोसिटी को ताले एठी गोटे जिनस देख
जे एटी तुम्हारे कौन हम इंटरमोलेक्युलर फोर्स जिते बढ़ तेल से कौन हम तुम विस्कोसिटी भी बढ़ कौन हम विस्कोसिटी भी बढ़ आउ एठी गोटे जिनस मन रख जिते तुम टेम्परेचर बढ़े से विस्कोसिटी तुम कौन हम कम विस्कोसिटी कौन हम कम बुझिपाला ना ये दुटा जिनस मन रख इंटरमोलेक्युलर फोर्स बढ़िले विस्कोसिटी बढ़ टेम्परेचर बढ़िले विस्कोसिटी कम दुटा फैक्टर उपर डिपेंड कै कि ये दुटा फैक्टर उपर मेनली डिपेंड कै कि विस्कोसिटी है तो कंप्लीट विस्कोसिटी आपको कहीदी आपड़ यहाँ नोट करदे किसी ये न्यूमेरिकल फ्यूमेरिकल पड़ोनि खाली एसआई यूनिट फ्यूनिट ये सब मन रखीदे ये जिनसा टी ध्यान देवे तेल आप गोटे जिनस मन रखिए जे लेयर लेयर मध्य जो फ्रिक्शन होाफल व्टर जो फ्लोटा रेजिस्ट होटा को आमर से फेनोमेनन को आमर कौन क्या विस्कोसिटी कहा जाए यहाँ नोट कर दिंतु बर्तमान आम नेक्स्ट देखा वेपर प्रेसर है तो नेक्स्ट पढ़ा वेपर प्रेसर हेडिंग कर दिंतु तीन नंबर में वेपर प्रेसर तले फास्ट आगे डेफिनेशन लिखि दिंतु द प्रेसर एक्जर्टेड द प्रेसर एक्जर्टेड बाय वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड ओवर दि सरफेस ऑफ लिक्विड व्वेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम माने कौन साम्य अवस्था जोड़ा कहा जाए तो से कहते द प्रेसर एक्जर्टेड बाय वेपर ओवर दि सरफेस ऑफ लिक्विड व्वेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम तो मैंने यार कह मतलब ये धर H2O लिक्विड अच्छे ये H2O कौन अच्छे गैस अच्छे तो मैंने ये तुम कौन होटर टा गैस को परिणत हो गैस आउ जो ये वाटर कौन लिक्विड फर्म अच्छी जोटा को सी कौन हो गैसियस फर्म मैंने वेपर फर्म को कनवर्ट होता पुणी वेपरटा कौन हो लिक्विड को कनवर्ट होगा दीजाक साममलटेनियस प्रोसेस हो पार्टी से कौन कहते इक्विलिब्रियम अवस्था बोली कहते जोटी आम कहीपर जोटी हमें लिखिपर एटी जे रेट ऑफ देखो लिक्विड रु गैस हो लिक्विड रु गैस होता मैंने से कौन कह जाए से एवापोरेशन रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ तापर गैस रे तो लिक्विड हम से कौन कह जाए कंडेंसेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन तले जितने रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन कार हो वाटर होटा को आम रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होटा को आम कौन कहते इक्विलिब्रियम बोली कहा जाए है सी ये कौन कहे जदि आम बुझा से चित्र सह ये गोटे कंटेनर अच्छी ये आम कौन अच्छी किसी लिक्विड अच्छी तेल आम तलू कौन कराला हिट कराला तलु जदि ये कौन कली हिट कली तेल हिट कला मान निहाती भाव ये कौन हम या उपरे वेपर आसो कि नहीं वेपर आसो ना ना या उपरे आसो है कि नहीं वेपर हम बाष्प हम तो जब वेपर हम यो ऊपर जो वेपर उड़ा जोड़ा बनी द प्रेसर एक्जर्टेड बाय वेपर ओवर दि सरफेस ऑफ लिक्विड ये लिक्विड सरफेस रे ऊपर जो वेपर बनी एमाने ए लिक्विड ऊपर कौन करेंगे जो प्रेसर एक्जर्ट करेंगे लिक्विड ऊपर जो प्रेसर एक्जर्ट करेंगे सहीटा को ही आम कौन कह जाए वेपर प्रेसर बोली कहा जाए डेफिनेशन ही सहीटा कह द प्रेसर एक्जर्टेड बाय वेपर ओवर दि सरफेस ऑफ लिक्विड व्वेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम तो मैंने ऊपर तुम वेपर हो तले कौन तुम लिक्विड अच्छी तो मैंने तुम जीमाण लिक्विड वेपर होती परिमाण जो वेपर मानते जो गैस अच्छी वाटर से पुणी कनवर्ट हो लिक्विड कनवर्ट हो जोटा मुझे कहली तो मैंने रेट ऑफ एवापोरेशन जीक रेट ऑफ कंडेंसेशन से हो कि नहीं नेक्स्ट आम देखीद वेपर प्रेसर फैक्टर्स अफेक्टिंग देखीद कौ कौ फैक्टर पर ये डिपेंड करे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेसर तले फास्ट कौन आसो फास्ट आसला टेम्परेचर लिखीद फास्ट टेम्परेचर तले ये गोटे जिनस मन रखी तुम
टेम्परेचर बढ़ुची ताले सेठी कौन हबो वेपर प्रेशर कमिबो वेपर प्रेशर कमिबो सेकंड सेकंड हला इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ताले एटी मन रखिबे जदी तुमरो इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जदी तुमरो कौन हबो वीक हबो ताले एटी तुमरो जो वेपर प्रेशर ता से कौन हबो तुमरो हाई हबो वेपर प्रेशर ता कौन हबो हाई हबो तापर नेक्स्ट आउ को फैक्टर पर डिपेंड करूची बॉइलिंग पॉइंट ताले मन रखिबो जदी तुमरो बॉइलिंग पॉइंट लेस हबो ताहले तुमरो जो वेपर प्रेशर अछि से कोन हबो हाई हबो वेपर प्रेशर कोन हबो हाई हबो नेक्स्ट आउ को फैक्टर पर डिपेंड करे प्योरिटी ऑफ लिक्विड ताले एठी कोन हबो प्योरिटी ऑफ लिक्विड हैज ऑलवेज हाई वेपर प्रेशर कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन ताले लिक्विड जत्ते प्योर हबो तार वेपर प्रेशर सेते हाई हबो ए सो फैक्टर ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करे बुझले कि नहीं नोट कर दियो एबे लास्ट हम देखि देबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखि देबा एटा नोट कर दियो फर्स्ट तले बे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोन देखि देबा हला एटा सेते इंपोर्टेंट नो छोटो माने अच्छी टा एक्चुअली हमें देखिबा हम यदि हमें एकेडमिक अनुजाय जीवा एटा बहुत लेंथी अछि और बहुत टाइप्स अछि से सब गुडा डिटेलिंग रे गले से ही हमर गोटे चैप्टर कहले चलियो हला तो हमें इतरे शॉर्ट शॉर्ट रे देखि दबा डेफिनेशन मुड लिखि दे देखो द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट मन रखिबे द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हला सॉल्यूट कोन एटी टिके मिड साइड रे कहि दउची त माने गोटे इनसे तुम्हें जानिथु आगरु जे हमर जो सॉल्यूशन टा एटा मोर कहा को सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट को नहीं कि बनी थाए सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट को नहीं बनी थाए जदि मु एग्जांपल कथा पाइबी एग्जांपल ले मन कर मु आपन कहिले बे ओटे सुगर सॉल्यूशन कथा कहिबी सुगर सॉल्यूशन माने ओडिया रे जो हम चीनी पानी कहउ जंदी तले एथिरे हमर सॉल्यूट हे जिवो सुगर सॉल्वेंट के हे जिवो सॉल्वेंट हे जिवो वाटर त माने जो थिरे जाएगी डिजोल्व हुए ताको सॉल्यूट कहा जाए माने सुगर जो थिरे जाएगी डिजोल्व हबो सॉरी माने जिए जाएगी डिजोल्व हबो को थिरे वाटर रे ताको सॉल्यूट कहा जाए हला आउ जो थिरे डिजोल्व हबो के सॉल्यूट ताको सॉल्वेंट कहा जाए हला रे जान लेगी नहीं तले आपण एतिकी मन रखंदु जे साधारणत सॉल्यूशन ने गोटे सॉल्यूशन ने सबले सॉल्वेंट रो क्वांटिटी टा अधिक थिबो एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट टा लार्जर अमाउंट रे गोटे सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट टा लार्जर अमाउंट रे थाए सॉल्यूट टा लेस अमाउंट रे प्रेजेंट थाए ए दुटा जिनस मन रखिए हाला सॉल्यूट और सॉल्वेंट रे सेमती यदि मुझे कहीदेली सॉल्ट वाटर जो कॉम्बिनेशन टा से वाटर हो सॉल्वेंट सॉल्ट हो सॉल्यूट जदि मुझे ऑयल वाटर कहीदेवि तेल वाटर हो सॉल्वेंट आउ ऑयलटा हो सॉल्यूट ये टी ध्यान देवे मन रखिए तापर एबे देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमर एक्चुअली एथि हमर चारिटा टाइप्स को पढ़ा जाए फर्स्ट हला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हला सेकेंड हला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थर्ड हला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फोर्थ रहला ऑस्मोटिक प्रेशर हला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जोटा को आम सॉर्ट रे आपको आम लिखती RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तापर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रे लिखा जाए ई बी पी त
डिप्रेसन इन फ्रिजिंग पॉइंट लिखा जाए डी एफ पी ऑस्मोटिक प्रेशर को ओ पी है। तो ये सब टाइप्स गुड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन थाए यहाँ जदि आम एकेडमिक पढ़ा तो यह सब डिटेल एक्सप्लेन होता है कि आमर जदि आम कॉम्पिटिटिव लाइन को जी एटा सब एत इम्पोर्टेंट नुह। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मुझे गोटे गोटे करके सबूटा लिखुने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेफिनेशन आप साइड देखिपे से ही नोट करके चलत रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे। तापर नेक्स्ट है ये नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप देखिपे साइड में तार डेफिनेशन लिखाई वीडियो को पॉज करके नोट करूँ। देन थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो साइड में डेफिनेशन लिखाई नोट करूँ। देन ऑस्मोटिक प्रेशर टा मुझे आपको टिके कहीदे ऑस्मोटिक प्रेशर टा टिके कहीदे तेल ऑस्मोटिक प्रेशर जानवा पूर्व फास्ट आम जानवा ऑस्मोसिस कौन फास्ट आम जानवा ऑस्मोसिस कौन ये तीन टाइम आप नोट करदे साइड में जो लिखाई एवं ऑस्मोटिक प्रेशर देखो आगे ऑस्मोसिस टा कौन बुझा चेस्टा करूँ। तेल ऑस्मोसिस कौन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन कहा द्वारा थ्रू बा भाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यू आम कौन कह जाए ऑस्मोसिस बोली कह जाए। तले एटी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कौन हम ट्रांसपोर्टेशन हम बा फ्लो हम कौटी कौट कौटी हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन को थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हला थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ आमर कौन थाए यहाँ आम प्योर थाए यहाँ कौन थाए प्योर सॉल्वेंट थाए लोअर कॉन्सेंट्रेशन आम कौटा कहते प्योर सॉल्वेंट आउ ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हायर कॉन्सेंट्रेशन आम कौटा सॉल्यूशन सॉल्यूशनटा हायर कॉन्सेंट्रेशन है। तमें जदि मुझे कह मनकर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तमें तुम यहीपट मनकर अच्छी प्योर सॉल्वेंट यहीपट मनकर अच्छी सॉल्यूशन तले प्योर सॉल्वेंट है लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है हायर कॉन्सेंट्रेशन तमें एटी जो फ्लो हम सॉल्वेंट रो फ्लो कौट कौट हम एठ एपट को हम है लोअर रु हायर को हम जानपाल ना है ये बोलते मे भी देखा नाइट साइड में करदे ये मन कर तुम गोटे है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहीपट साइड अच्छे तुम प्योर सॉल्वेंट जोटा कि आम जानते कौन आर यहाँ है लोअर कॉन्सेंट्रेशन एपटे है सॉल्यूशन अच्छी जोटा कि आमर हायर कॉन्सेंट्रेशन तले एठी जो फ्लोटा हम कौट कौट हम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन आड़ को फ्लो हम से आम ऑस्मोसिस कहा जाए। तो एठी मेन कथा कौन एठी मेन कथा कौन आम फ्लोटा को अटकई फ्लोटा को अटकवाई कौन करवा मनकर किसी प्रेसर आपर आप्लाय कले ये फ्लोटा को ब्रेक करिया करने माने जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन को जो मूवमेंट होटा को ब्रेक करिया करने से फ्लो को ब्रेक करिया करने आम एथे मनकर किसी प्रेशर अप्लाय कले प्रेशर अप्लाय कले तो से प्रेशर टा को ही आम कौन कह जाए ऑस्मोटिक प्रेशर बोली कह जाए ऑस्मोटिक प्रेशर बोली कह जाए। तले ये जो माने फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन को जो हो से फ्लो को रेजिस्ट करिया फ्लो को अटकवाई जो प्रेशर टा अप्लाई करा जाए सेटा को कौन कहा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर बोली कहा जाए है। ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेशन आपन एडी स्क्रीन में देखिपे जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड करुच्ची ये जो फ्लोटा को रेजिस्ट करिया करने से ऑस्मोटिक प्रेशर बोली कहा जाए। ये आप भलसे नोट करदे आपड़े कहेन जो सर कलिकेट प्रपर्टा पूरा डिटेल कहीं सबूगढ़ बुझेले पढ़ेले देखो सेते इम्पोर्टाट नुह आम अनेसरी जिनसगढ़ मेचे खाली नोट गुड़ा मेचे मेचे बढ़े कि किसी लाभ हेनी है मुझे जी कहली से आप पढ़ी दिंतु मत लगुच्छे से आप मोर देन एनफ हे। तो
तो आमर स्टेट सबमिट मैटर पूरा कंप्लीट हो गला। देखो एक्चुअली 10-12 दिन मुझे गैप देदेली, तो आज वीडियो कला बेलू मत भी नर्वसनेस फील हो गैप हो गला बेलू क्लास रे, माने जो फ्लुएंटनेस आसूला से माने मोर भी किसी नर्वस फील हो जला। तो फिर भी आप वीडियो कली आप भल से पढ़ीदे आशा भावुची वीडियोटा मे भी बहुत लंबा हो जाइए, फिर भी मैनेज करदे मझे गोटे टाइम लाइट भी बहुत कम थिला हला, तो सेटा को फोन को रोटेट करके देखीदे आपन को इजिली से विजिबल हे। तो यापर आर नेक्स्ट पार्ट आम पढ़ा कौटा जो आम रहा यूनिट 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो अच्छी एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एमती कौन गोटे अच्छी, तो से चैप्टरटा आर नेक्स्ट पार्ट्रे पढ़ाला। तो भल से आपको प्राक्टिस करदे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो आपंकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट अच्छी से मन रखिए, तार न्यूमेरिकल जो करके देखेली से सब भल से प्राक्टिस करेंगे हेला। आशा करूँ भिडियोटी भल लगी, भिडियो को लाइक करेंगे, आम चैनल जब नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मुझे फ्री टेलीग्राम ग्रुप आम जो अच्छी प्रो स्टडी ऑफिशियल दे तार लिंक दे दी से जॉइन होते आदि आम नोट चाहते पीसीएम सीबीजेड कि आर्स रहा आप मत कंटाक्ट करेंगे, मुझ तार भिड भी बनई मो कंटाक्ट नंबर से आपरें, तो से मतलब मेसेज करेंगे देन आप हैंड रिटन नोट्स पाइपे।